समर्थक लगा रहे हैं सीएम दीदी के नारे और हो रहा है धुआंधार प्रचार। दरअसल छत्तीसगढ़ में भरतपुर सोनहत सीट से बीजेपी ने केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह को उतारा है। रेणुका सिंह अभी सरगुजा से सांसद हैं और माना जा रहा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो रेणुका सिंह सीएम की मजबूत दावेदार हो सकती है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात तो नहीं करती, मैं अभी तो केवल और केवल इस क्षेत्र को जीतने के लिए आई हूँ। पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताना चाहती हूँ और सरकार बनाना चाहती हूँ, बाकी हमारी पार्टी हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करेगा। गोंड जाति की रेणुका दो बार प्रदेश में विधायक रह चुकी हैं और छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रही हैं। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उनके स्वजातीय गुलाब कमरो से है। गुलाब कमरो गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार के दौरान ही हमारे रिपोर्टर रविकांत की उनसे मुलाकात हुई और फिर चुनाव पर बात हुई। सबसे पहले तो हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। भाजपा का प्रत्याशी कोई भी रहता कैंडिडेट, इस समय हम तो ये भूल गए हैं कि कौन केंद्रीय मंत्री है। हम बस इतना जानते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से यहाँ विकास की गंगा बही है, हम विकास को लेकर गांव-गांव तक जा रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा को यहाँ इस विधानसभा में प्रत्याशी नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। 2018 में कांग्रेस के गुलाब कमरो को 51,000 वोट मिले थे जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 35,000 वोट। 2008 और 2013 में इस सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम मैदान में हैं, जो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 7 नवम्बर को है जबकि दूसरे चरण में वोटिंग 17 नवम्बर को, नतीजे 3 दिसम्बर को आएंगे।